हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज का ग्रेड, रैंक, ये सब पता चल जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंट, टोटल कितनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में, हर एक ब्रांच में टोटल कितनी सीटें हैं। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे MSSCT का कट ऑफ, तो हर एक ब्रांच का हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ भी देख लेंगे। फोर्थ नंबर पर हम देखने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर हर एक कैटेगरी के हिसाब से। पांचवें नंबर पर हम हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, इस कॉलेज में टोटल कितने हॉस्टल है, हॉस्टल की फीस क्या है, हॉस्टल की इंटेक कैपेसिटी क्या है, सब देखने वाले। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट, तो हम हर एक ब्रांच का एकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे कितना परसेंट प्लेसमेंट गया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज की इमेज दी गई है, कॉलेज का लोगो दिया गया है। अब कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज हमारा 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से 80-82 साल इस कॉलेज के हो गए। तो जितना पुराना कॉलेज होता है उतना बेस्ट होता है, तो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, 80 साल पुराना कॉलेज है। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो कॉलेज का हमारा नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ है। लोकेशन की बात करें तो कॉलेज हमारा विद्यानगर कराड़ सतारा, पिन कोड 415124 में आ जाता है। अब कॉलेज के स्टेटस की बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड एफिलेटेड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.gcekarad.ac.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो पुणे एयरपोर्ट है, जो कि 174 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो कराड़ रेलवे स्टेशन है, जो कि 4.7 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो कराड़ बस स्टैंड है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे। और कॉलेज का DTA कोड 6005 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट कोड या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब कोर्सेज की बात करें तो कॉलेज हमें BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें यहाँ पे 5 ब्रांचेस मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग, IT मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है एंड मैकेनिकल मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें CS की मतलब कंप्यूटर साइंस की वाली IT दिया गया है। इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो हर एक ब्रांच में आप देख सकते हो 60-60 सीटें हैं, तो टोटल मिला गया 300 सीटें हैं। और इस कॉलेज में हमें MTech की डिग्री भी मिल जाती है, MTech मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमें 6-7 ब्रांचेस मिल जाती है MTech में, आप सीट देख सकते हो 18 सीटें 25 सीटें 25 सीटें। तो टोटल MTech में हमें यहाँ पे 161 सीटें मिल जाती है। आप BTech के बाद इस कॉलेज में MTech भी कर सकते हो। अब सबसे मेन पार्ट आता है हमारा कॉलेज का कट ऑफ, तो हमें यहाँ पे MSSCT 2021 का कट ऑफ दिया गया है। तो हम हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं। तो पहले हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो सिविल में ओपन का कट ऑफ 86.22% गया था, OBC का 79.54% गया था, SC का 77.35% गया था, ST का 44.35% गया था, EWS का 89.16% गया था और TFWS का 92.13% गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन और TFWS का कट ऑफ ज़्यादा है और OBC, SC, ST का तीनों का कट ऑफ कम है। अब IT डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो कट ऑफ 96.28% गया है, OBC का 96.20% गया है, SC का 89.85% गया है, ST का 72.12% गया, EWS का 96.92% गया और TFWS का 99.25% गया। तो अगर आपको इस कॉलेज में ID चाहिए तो आपको लगभग 95 प्लस लाना पड़ेगा, जब भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। खाली ST को थोड़ा कम पड़ जाता है, वरना ओपन OBC, TFWS, EWS सबको कट ऑफ हाई है। अब हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का ओपन का कट ऑफ 87.22% गया था, OBC का 84.26% गया था, SC और ST का ST का 73.41% गया था, ST का 38.75% गया था, EWS का 91.04% गया था और TFWS का आप देख सकते हो 91.70% गया था। अब ENTC डिपार्टमेंट की बात करें तो सेम इसका भी कट ऑफ हाई है थोड़ा IT के सिमिलरली, क्योंकि ENTC के जितने भी बच्चे होते हैं मतलब मैक्सिमम तो IT कंपनी में ही जाते हैं। तो ओपन का कट ऑफ आप देख सकते हो 92.87% गया है, OBC का 90.63% गया, SC और ST, SC का यहाँ पे 86.22% गया, ST का 12.10% गया, EWS का 96.38% गया और TFWS का 95.47% गया। तो हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन का कट ऑफ 88.88% गया, OBC का 84% गया, ST का 73% गया, ST का 61 गया, EWS का 89 गया और TFWS का 95 गया था। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज में आप कोई भी ब्रांच लो, अगर आप TFWS के थ्रू लेते हो तो आपको 90 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा, जब इस कॉलेज में आपका TFWS के थ्रू एडमिशन हो पाएगा कोई भी ब्रांच के लिए। ओपन का आप देख सकते हो मतलब 85 प्लस ही है हर एक कॉलेज, हर एक ब्रांच में। OBC का आप देख सकते हो खाली यहाँ पे ST में थोड़ा कम हुए, और ST का थोड़ा उससे ज़्यादा, फिर OBC का थोड़ा उससे ज़्यादा और ओपन का सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए इस कॉलेज का थोड़ा कटअप भी हाई है।
अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 15,000 दिया गया है। कॉलेज का जो डेवलपमेंट फीस है 29,887 दिया गया है। यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस 24,066 रुपीस दी गई है। तो टोटल जो आपकी फीस है इस कॉलेज की 86,953 रुपीस है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है 15,000 दी गए, तो बाकी जो अदर प्राइवेट कॉलेज है उनमें हमेशा 1,80,000 ऐसी रहता है ट्यूशन फीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है 15,000 दी गई है। अब कैटेगरी के हिसाब से हम हर एक कैटेगरी का फीस देख लेते हैं। तो पहला ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन का फीस आप देख सकते हो 86,953 रुपीस दिया गया है। एस सी एस टी 4,566 रुपीस दी गया है। तो इनका क्या होता है, ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों ऑफ हो जाता है। अब वी जे एन टी 1, 2, 3 OBC SBC इनका फीस की बात करें तो आप देख सकते हो 34,453 रुपीस गया है। EBC SEBC और EWS का 61,453 रुपीस दिया गया है। और आप यहाँ पे TFWS का देख सकते हो 53,953 रुपीस दिया गया है। तो आप बोलोगे इस कॉलेज में TFWS का इतना फीस क्यों ज़्यादा है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस कॉलेज में ट्यूशन फीस बहुत कम होती है। और यहाँ पे देखो TFWS में क्या होता है, ट्यूशन फीस 100% ऑफ हो जाती है। तो ट्यूशन फीस यहाँ पे 15,000 है, 15,000 ऑफ हो जब भी टोटल जो TFWS का फीस आया 53,953 रुपीस है। क्योंकि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं इनका डेवलपमेंट फीस ज़्यादा होता है और ट्यूशन फीस कम होता है, इसलिए TFWS या OBC हो गया, EWS हो गया, इनका फीस हाई होता है। अगर हम नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस में खाली बस थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बाकी ओवरऑल सेम रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सबसे मेन बात करें हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। तो पहले हम कॉलेज की हॉस्टल की फ़ीस देख लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका जो यहाँ पे टोटल फीस होगा 7,700 रुपीस हो गया। अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हो तो आपका ये टोटल फीस होगी 7,200 रुपीस होगी। क्योंकि इसमें देखो जो एस टी एस टी में ना उनमें खाली बस हॉस्टल का जो एडमिशन फीस है उसकी छूट मिल जाती है 500 की। बाकी हॉस्टल एडमिशन फीस आप देख सकते हो 500 रुपीस है। मेंटेनेंस का 3,000 दिया गया, टेबल चार्जेस भी सेम दिया गया, मेडिकल चार्जेस 200 दिया गया और ये क्वेश्चन मनी यहाँ पे 1,000 दिया गया। तो टोटल मिला के 7,700 रुपीस हो गया। अब मेस की बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, जैसे ऑड सेम हो गया और इवन सेम हो गया। तो डिपॉजिट फॉर गर्ल्स और डिपॉजिट फॉर बॉयज़, तो जो यहाँ पे गर्ल्स का फीस है वहाँ पे 8,000 दिया गया और बॉयज़ के लिए 9,350 रुपीस दिया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉयज़ की फ़ीस ज़्यादा है 1,350 रुपीस। अब हम कॉलेज में इंटेक कैपेसिटी की बात कर रहे हो, देख लेते हैं टोटल कितने हॉस्टल है इस कॉलेज में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 हॉस्टल मिल जाते हैं, 4 तो सीधा सीधा बॉयज़ के दिख रहे हैं और एक गर्ल्स के लिए दिख रहे हैं। तो बॉयज़ हॉस्टल है हॉस्टल डी, हॉस्टल सी, हॉस्टल बी और पीजी हॉस्टल है, जिसमें रूम आप देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे हॉस्टल डी है जो कि बॉयज़ के लिए 60 रूम है और टोटल 180 की कैपेसिटी है, मतलब पर रूम में 3 पर्सन। सेकेंड हॉस्टल सी 60 रूम है, कैपेसिटी 180 का है। हॉस्टल बी में 40 रूम है, टोटल कैपेसिटी 120 का है। और पीजी जो हॉस्टल है बॉयज़ के लिए रूम 14 है और कैपेसिटी 45 का। और गर्ल्स के लिए एक ही हॉस्टल दिया गया है, जिजाऊ हॉस्टल, जिसमें रूम 80 है और कैपेसिटी 240, मतलब सेम ही हुआ यहाँ पे भी, सेम ही है गर्ल्स के लिए भी, एक मतलब रूम में 3 पर्सन। अब कॉलेज का सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं एकेडमिक ईयर के हिसाब से टोटल कितनी कंपनी आई थी, टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, हाईएस्ट पैकेज क्या गया था, एवरेज पैकेज क्या था और मिनिमम पैकेज क्या था। तो 2019-20 की बात करें तो टोटल 38 कंपनी आई थी इस कॉलेज में, 240 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, हाईएस्ट पैकेज 12 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 3.8 लैक्स था और मिनिमम पैकेज 3 लैक्स था। 2020-21 की बात करें तो टोटल 56 कंपनी आई थी इस कॉलेज में। अब प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल 106 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैक्सिमम पैकेज कॉलेज का 25 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 4 लैक्स गया था और मिनिमम पैकेज 2.5 लैक्स गया था। और 2021-22 की बात करें तो टोटल 53 कंपनी आई थी इस कॉलेज में, टोटल 199 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और मैक्सिमम पैकेज 9 लैक्स गया था, एवरेज पैकेज 5.17 लैक्स गया था और मिनिमम पैकेज 2.5 लैक्स गया था। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज का एक ही बार मैक्सिमम पैकेज गया था 25 लैक्स। और हर साल मतलब आप देख सकते हो इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है बढ़ते जा रहा है। तो हम इस कॉलेज का ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2021-22 का प्लेसमेंट दिया गया है, तो हम हर एक ब्रांच में देख लेते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था और प्लेसमेंट का परसेंटेज क्या है। तो सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर 12 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 40% प्लेसमेंट था। आईटी में 56 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 100% प्लेसमेंट था। इलेक्ट्रिकल में 48 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 84% प्लेसमेंट था। ENTC में 43 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 97% प्लेसमेंट था। मैकेनिकल में 40 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 82% प्लेसमेंट था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली जो एलिजिबल है ना उनका ही दिया गया है। अभी देखो आप आईटी डिपार्टमेंट की बात करोगे टोटल 60 बच्चे हैं, उसमें से 56 एलिजिबल थे, इसलिए यहाँ पे 100% दिया गया है। 4 बच्चे मतलब एलिजिबल नहीं थे।
ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 85% ओवरऑल प्लेसमेंट है। अब टोटल प्लेसमेंट 199 बच्चों का हुआ था लास्ट ईयर। तो अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आप एक दूसरे से